मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बाद एक और गेम चेंजर योजना शिवराज सरकार ला रही है, जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करने में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं, जिसमें 48,00,000 किसान एक हेक्टेयर में सीमांत किसान हैं, यानी कि 0 से 2.5 एकड़ तक के 28,00,000 किसान 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के हैं और 25 एकड़ से ऊपर के 63,000 किसान हैं। अभी तक 24,37,000 किसानों का बीमा हुआ है। ऐसे में 25% किसानों की फसलों का ही बीमा हुआ है, लेकिन 75% किसान वंचित रह गए, यानी कि 76,00,000 किसान जो कि 5 एकड़ से कम के हैं, अब इन्हें सरकार फसल का सुरक्षा कवच देने जा रही है। अब इन किसानों का बीमा प्रीमियम शिवराज सरकार खरीफ की फसल की 2% प्रीमियम राशि और 1.5% प्रीमियम राशि रबी फसल का सरकार भरेगी, जिसके निर्देश कृषि विभाग को दे दिए गए। मंत्री पटेल ने कहा कि यह देश के किसानों के लिए कहीं नहीं हुआ है जो मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कर्जा नहीं लेना पड़े क्योंकि इनको न बैंक ऋण देता है और बाजार में भी सामान्य को 2 रुपए सैकड़े में देते हैं, इनको 10 रुपए 15 रुपए महीने के सैकड़े में देते हैं, इसलिए घाटे की खेती करते थे। ये अब घाटे की खेती की वजह लाभ का धंधा हो रहा है। इन 76,00,000 किसानों को एक नया जीवन दिया है मोदी जी ने और हम अब इनको सुरक्षा कवच पहना रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में कि 76,00,000 किसानों में से मात्र 22,00,000 किसानों का बीमा हुआ है, बाकी का नहीं हुआ। अब हम तैयार किया है मैंने कृषि विभाग से कि इन 76,00,000 किसानों का जो 5 एकड़ के नीचे उनका प्रीमियम 2% खरीफ में 1.5% रबी में सरकार भरेगी, ताकि हम छोटे किसानों को भी फसल खराब होने पर 100% बीमा की सुरक्षा दे सके, ताकि वो कर्ज में ना आए। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। प्रश्न वही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।